तो दोस्तों आज मैंने मूवी देखी जैकी दादा की। अबे साले जैकी दादा नहीं, जैकलीन की। ओ सॉरी, जैकलीन की। हाँ, आज मैंने जो नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी है जैकलीन फर्नांडिस की, मिसेस सीरियल किलर। जब भाई मैं देख रहा ना तो मुझे लग रहा था भाई जैकलीन फर्नांडिस को देखूंगा, मजा आएगा। लेकिन जब पूरी जो पूरी मूवी देखी तो यार कुछ सिंपल सिंपल सा ही लगा, कुछ इतना मजा नहीं आया। लेकिन क्या करे भाई, रिव्यू तो करना ही है ना। तो हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरी रिकॉर्डिंग वीडियो में। कैसे हैं आप? तो इस वीडियो में रिव्यू करूंगा जो नेटफ्लिक्स पे जैकलीन फर्नांडिस की नई मूवी आई है, मिसेस सीरियल किलर, उसका। तो अगर आप भी इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी फालतू ज्ञान के आइए इस वीडियो को शुरू करें। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी की। चिंता मत कीजिए, सस्पेंस रिवील नहीं करूंगा, इसकी जो ब्रीफ स्टोरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज, ये स्टोरी शुरू होती है एक सोना मुखर्जी नाम की लड़की के इर्द गिर्द, जो अपने पति से बे इंतहा प्यार करती है। अरे अपने पति के लिए पूरी दुनिया के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। और उसके पति कौन है? मृत्युंजय मुखर्जी। तो जो पेशे से एक सर्जन भी है, डॉक्टर सर्जन है। और फिर अगले करेक्टर आते हैं हमारे इमरान, हाशमी वाले नहीं, करेक्टर वाले इमरान। हाँ, और ये एक पेशे से पुलिस वाले हैं जो अपनी ड्यूटी से बे इंतहा प्यार करते हैं। और ये जो इमरान है वो सोना मुखर्जी का एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। फिर भाई आता कहानी में ट्विस्ट। एक के बाद एक प्रेग्नेंट लड़कियों के कत्ल होने शुरू हो जाते हैं। और उन सबकी लाश कहाँ मिलती है? जो मृत्युंजय मुखर्जी का कोई दूसरा घर है वहां पे इन सब लड़कियों की लाश दबी हुई मिलती है। तो भाई पुलिस को वो लाशें मिलती है और पुलिस जाके किसको गिरफ्तार कर लेती है? मृत्युंजय मुखर्जी को, क्योंकि वो पेशे से एक सर्जन भी है और वो सारी लाशें उन्हीं के तो घर में मिली हैं। तो पुलिस मृत्युंजय मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेती है। तो फिर मृत्युंजय मुखर्जी को कोर्ट में पेश किया जाता है और इमरान चालाकी से कोर्ट में ये प्रूव करवा देता है कि सारे जो कत्ल है वो मृत्युंजय मुखर्जी ने ही किए हैं, इसीलिए मृत्युंजय मुखर्जी को जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी बेल के। तो जो मृत्युंजय मुखर्जी की वाइफ है सोना मुखर्जी, वो एक लॉयर के पास जाती है और वो लॉयर उसे एडवाइस करता है कि तुम्हें कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा जो सीरियल किलर है वो कोई और है, वो अभी भी कानून के शिकंजे से बाहर घूम रहा है। तो फिर सोना मुखर्जी अपने पति को बचाने के लिए खुद सीरियल किलर बन जाती है और वो एक प्रेग्नेंट लड़की का किडनैप करती है जैसे कि वो सीरियल किलर करता था, और वो उसे किडनैप करके मोलेस्ट करती हैं। और फिर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि सीरियल किलर कोई और है और कोर्ट मृत्युंजय मुखर्जी को छोड़ देता है। और इसकी वजह से वो जो पुलिस वाला इमरान है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने मृत्युंजय को छोड़ दिया। तो भाई साहब, अब आ गए इस स्टोरी में दो मेन बहुत बड़े बड़े सस्पेंस। पहला कि वो सीरियल किलर है कौन जो ऐसे कत्ल कर रहा था, और दूसरा इमरान क्यों इस केस को इतना पर्सनली ले रहा था? क्या उसके साथ कुछ ऐसी स्टोरी जुड़ी थी जिसकी वजह से वो इस केस को इतना पर्सनल लेके हैंडल कर रहा था? और यही है इस स्टोरी के ये दो मेन सस्पेंस जो आपको खुद देखने पढ़ेंगे। मैं नहीं बताऊंगा वरना आप कहोगे यार तूने तो सारा स्पॉइल कर दिया, हम क्या देखे जाके। और ये है उस मूवी की स्टोरी, लेकिन मुझे वो मूवी कुछ ज्यादा इतनी जबरदस्त लगी नहीं। ये दो मेन सस्पेंस तो हैं उस मूवी में, जो पहले वाला सस्पेंस है वो तो जबरदस्त सस्पेंस है जिसकी वजह से आप कह सकते हो ये मूवी थोड़ी चल सकती है, लेकिन जो दूसरा सस्पेंस है इमरान वाला सस्पेंस है वो मुझे इतना लॉजिकल नहीं लगा इस स्टोरी के हिसाब से। बाकी एक्टिंग की बात करें, मनोज बाजपेयी का तो भाई साहब कोई जवाब ही नहीं है। अरे पूरे बॉलीवुड में उनके जैसी एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता, और इस मूवी में भी उन्होंने अपना 101% दिया है। बाकी मोहित रैना ने भी बहुत बड़ी एक्टिंग करी है, और जैकलीन का भाई क्या बताऊं आपको, इतना कुछ ज्यादा जचा नहीं, ओवर एक्टिंग सी लग रही थी, लेकिन जैकलीन ने भी अच्छा काम किया। तो मेरी तो आपसे यही राय रहेगी, अगर आप अपने दिन के 2 घंटे दे सकते हैं इस मूवी को तो दे दीजिएगा, देखने में क्या जा रहा है। बाकी इस मूवी में कुछ ब्लॉकबस्टर जैसा दम नहीं था। तो भाई ये था मेरा उस मूवी का रिव्यू। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मैं को आ गया इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।